मॉर्निंग टू एवरी वन चिल्ड्रन. टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर वन. इन द अर्लियर वीडियो यू हैव बीन थॉट हाफ ऑफ चैप्टर नंबर वन. टुडे वी विल रीड. ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट वी विल रीड द चैप्टर, आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर वन. ओके चिल्ड्रन, वंस अगेन वी नो अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. Living things breathe, living things move, living things take food and water, living thing feel and react, living thing reproduce. ये तो आपके living things के features थे. Living things में हमने living things breathe को read कर चुके थे. Next feature है जो वो आपका living things move है. इसको हम पहले read करते हैं, उसके बाद explain करेंगे. Living things move in search of food or to protect themselves from enemies. All animals move from one place to another on their own. Large animals walk on their feet. Fish swim in water. Snakes and snails crawl. Birds and some insects fly in the air. Some birds like penguin do not fly. Means living things move करते हैं. Living things फूड को सर्च करने के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से वो मूव करते हैं. वन प्लेस टू अनदर प्लेस खुद से जा सकते हैं. लार्ज एनिमल वॉक ऑन देयर फीट, बड़े एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने फीट से जाते हैं. फिश स्विम इन वाटर, वाटर में स्विम करके फिश मूव करती है. स्नैक और स्क्रैल स्नैल क्रॉल करते हैं. बर्ड्स और सम इंसेक्ट फ्लाई इन द एयर, ये फ्लाई के थ्रू मूव करते हैं. सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन डू नॉट फ्लाई, पेंगुइन भी एक बर्ड है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकती है. हाउएवर प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट देयर पार्ट्स शो मूवमेंट. फ्लावर्स ऑफ द सन फ्लावर प्लांट ऑलवेज फेस द सन. पेटल्स ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग. अब यहाँ पर लिविंग थिंग्स में प्लांट भी आते हैं. प्लांट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस डू नॉट मूव, मूव नहीं कर सकते हैं बट उनके पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर एक फ्लावर है और वो हमेशा सन की तरफ फेस शो करता है. पेटल्स ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी के पेटल्स वो मॉर्निंग में ही ओपन होते हैं. यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है कि सनफ्लावर प्लांट ऑलवेज फेस द सन, उसका फेस हमेशा सन की तरफ रहता है. इस तरह से यहाँ पर एक काऊ है जो कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस खुद से जाके मूवमेंट शो करती है. नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की नीड होती है. All living things need food and water. When we feel hungry and thirsty, we take in food and water. We see the flies sitting on the food and eating it. Animals get their food from plants or smaller animals. Means living things को food और water की need होती है. जब भी हमें प्यास लगती है और भूख लगती है, hungry और thirsty होते हैं तो हम food और water लेते हैं. हम देखते हैं कि फ्लाइज मीन्स मक्खी अपने फूड को ईट करने के लिए बैठती है और उसे ईट करती है, फूड पर बैठ के ईट करती है. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और स्मॉलर एनिमल्स. एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स और स्मॉल एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. सम एनिमल्स ईट ओनली ग्रास और लीव्स. बहुत से एनिमल्स केवल ग्रास और लीव्स को ही ईट करते हैं. सम एनिमल्स किल ईट स्मॉलर और वीकर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो स्मॉल और जो वीक एनिमल्स होते हैं उनको किल करते हैं और ईट करते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. सम एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही ईट करते हैं. ओके चिल्ड्रन, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एयर एंड सनलाइट. नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक माल्ट एंड मशरूम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकिंग मैटर. मीन्स ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वे एयर वाटर और सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड खुद ही
बनाते हैं, जिस इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। और नॉन ग्रीन प्लांट में आपके मोल्ड और मशरूम आते हैं, वे अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिकेइंग मैटर जो सड़े गले पदार्थों से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, फर्स्ट में जो पिक्चर बनी है ये ग्रीन प्लांट है, ये एयर वाटर और सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड खुद ही बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस इनकी लीफ में होती है, लीफ में ही इनका फूड स्टोर होता है। ये नॉन ग्रीन प्लांट है मोल्ड और मशरूम, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, उसके लिए ये डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। लिविंग थिंग्स फील और रिएक्ट करते हैं। एनिमल्स हैव फाइव सेंस ऑर्गन, आइज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग। दे यूज देयर ऑर्गन टू सर्च फूड और सेंस डेंजर। द स्मेल ऑफ फूड अट्रैक्ट फ्लाइज एंड आंट। लाइक एनिमल्स ह्यूमन ऑल्सो हैव फाइव सेंस ऑर्गन थ्रू। प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन। दे कैन फील व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। दे कैलॉप स्लोली। मीन्स लिविंग थिंग्स फील और रिएक्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स फील और रिएक्ट करने के लिए उनके पास फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वे फाइव सेंस ऑर्गन्स आपके आइज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग हैं। ये इन्हीं सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं, अपने को डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं और फूड को सर्च करने के लिए भी यूज़ करते हैं। द स्मेल ऑफ फूड अट्रैक्ट फ्लाइज और एंट। फूड के स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं उस पर। सम एनिमल्स ह्यूमन आल्सो हैव फाइव सेंस ऑर्गन। इनके फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं, बट प्लांट के पास ये स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। वे फील कर सकते हैं व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट। यहाँ पर बताया गया है कि टच मी नॉट प्लांट होता है, जिसे हम हिंदी में छुई मुई का प्लांट भी कहते हैं। जब भी कभी हम उसको टच करते हैं तो वो उसकी लीव्स जो होती है वो धीरे धीरे कैलॉप्स कर लेती है अपनी लीव्स को, मीन्स सिकोड़ लेती है, कैलॉप्स स्लोली सिकोड़ लेती है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये टच मी नॉट का प्लांट है, जब भी हम इसे टच करते हैं तो इसकी लीव्स स्लोली कैलॉप्स कर लेती है अपने आप को। यहाँ पर डॉग चेसिंग ईट, यहाँ पर ये डॉग को दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अपने फूड के लिए कैट का पीछा करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मींस लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मींस उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। फीमेल एनिमल्स लाइक काउ, ईट, बिच एंड मेयर गिव बर्थ टू बेबीज। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। यहाँ पर बताया गया कि लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जिसमें से कुछ प्लांट्स एनिमल्स अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करके करते हैं और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। फीमेल एनिमल लाइक जैसे काउ, कैट, बिच, मेयर ये बर्थ के थ्रू अपनी बेबीज को जन्म देती हैं, लेकिन सभी एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं लाइक फ्रॉग, लीजर्ड, बर्ड्स, ये रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, मींस एग के थ्रू अपने जैसे बेबी को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर सीप है, सीप की पिक्चर बनी है और यहाँ पर सीप का बेबी है, सीप फ्रॉग। ओके चलना, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स किस तरह से करते हैं ये प्रोसेस, वो सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स। न्यू प्लांट्स सीड्स के थ्रू ग्रो होता है। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर बर्ड्स स्टेम और लीव्स। किसी किसी प्लांट्स को हम उनके बर्ड्स स्टेम और लीव्स के थ्रू भी ग्रो करा सकते हैं। इस तरह से ये आपका लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस तक के आपके ये कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके आगे के कैरेक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ योर क्लास इज़ ओवर। थैंक यू क्लास।